ऋतिक ने खाया था तब रोशन हुआ था और शाहरुख ने खाया था तब स्टार बन गया था, आप खाइए। तो यहाँ पे हो रहा है डांस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चीला का चीला मुन्नी की चटनी, वेरी टेस्टी, वेरी नाइस। 120 रुपए एक चीला। कोलंबस का ये जो है ये टूट के अभी अभी यहाँ पे गिरा है, ये रहा, मैं यहीं पे अभी शूट कर रहा था, ये देखो यहाँ पे ये रहा, देखा। तो हम लोग आ चुके हैं फाइनली भारत महोत्सव में, एंट्री करते हैं, गाड़ी तो हमने वहाँ लगा दी है उस तरफ, चलिए अब एंट्री करते हैं। सुना है 40 रुपये एंट्री टिकट भी लगा दिए, सर पिछले साल तक तो नहीं थी पर अब लगा दी तो लगा दी। चलिए पहले एंट्री करते हैं फिर आपको अंदर की बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाएंगे। ये हो गए हमारे टिकट 40, ये हो गई हमारी टिकट्स 40 रुपए की टिकट, ये बचे हुए पैसे। तो ये है हमारी टिकट 40 रुपए की, 40 रुपए की हमें एक टिकट मिलेगी, हमें यहाँ पे ऐसी कुछ दिखेगी आपको टिकट। चलिए अब एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने के बाद ये है कुछ अंदर का माहौल, यहाँ पे लगा है पूरा लकड़ी का सामान है काफ़ी सारा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है पान, डिफरेंट वैरायटी पान के। तो भारत महोत्सव में अंदर आने के बाद यहाँ पे हैं कपड़ों के स्टॉल्स, जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ शॉल साड़ियाँ कपड़े वहाँ तक एंड तक वहाँ पे आपको कपड़े मिल जाएंगे। यहाँ पे ये सारा लकड़ियों का सामान था, यहाँ कुछ डांस टाइप का हो रहा है, चलिए डांस देखते हैं पहले, है ना। चलिए तो यहाँ पे हो रहा है डांस, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे लौंडे के ठुमके देखो, ये देखो क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। ओए होए ओए होए होए ओए होए 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 लौंडे गजब गजब। तो ये है भैया मुझे ट्राई करा रहे हैं हर्बल चाय, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें। सर ये हमारी कंपनी एजीएस हर्बल है। अच्छा, ये हम लोग लखनऊ में बक्सी तालाब में फैक्ट्री है। ओके। हम लोग आयुर्वेदिक चाय बनाते हैं, 10 तरह के चाय बनाते हैं, तुलसी लेमन ग्रास, तुलसी ग्रीन टी, तुलसी अच्छा कैमोमाइल। अच्छा, और ये प्योर पूरी तरीके से 100% जो है कि ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की जाती है और हमारी फैक्ट्री में प्रोसेस की जाती है, बनाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि मेले में जितने भी आए लोग हैं सभी लोगों को जो है कि यहाँ पे भी हम चाय टेस्ट करा रहे हैं, हमारा स्टॉल है वहाँ पे भी टेस्ट। अच्छा, वहाँ पे आपका स्टॉल है जी। कितने रुपए, क्या कॉस्टिंग आती है कप की? ये तो सभी को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं नहीं जैसे कोई मेरा ब्लॉग देख के आपके पास आए। सर ये इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ये टेस्ट करने के लिए, जैसे अगर पैकेट वगैरह हम ले तो अलग अलग है। यहाँ पे हम लोगों ने 20% डिस्काउंट पे अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, जैसे तुलसी लेमन ग्रास है ये 120 रुपए का, 150 का, 120 का यहाँ दे रहे जी। ये तो ये ग्रीन टी तुलसी लेमन ये 175 का है, यहाँ पे 140 का दे रहे हैं। अच्छा, इस तरीके सारे प्रोडक्ट पे जो है 20% डिस्काउंट। तो चलिए गाइस इसे ट्राई करते हैं। तो ये रही हर्बल टी, भाई साहब गजब टेस्ट है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये टेस्ट। डेफिनेटली आप यहाँ पे आओगे तो ये प्रोडक्ट ट्राई जरूर करना। वैसे तो भारत महोत्सव ये जो लगा हुआ है बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको आके यहाँ पे जरूर घूम, जैसे यहाँ पे देखिए सूट लग रहे हैं यहाँ पे बढ़िया बढ़िया, ब्लेजर्स लेडीज़ के लिए, गर्म कपड़े, जूते, रज़ाइयाँ, हैंडीक्राफ्ट का सामान, अचार आमचूर, सब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं आपको यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे मेरी नज़र अटक गई ना जाके, वो है यहाँ का फूड सेक्शन। भाई साहब ये है यहाँ पे इनकी 3D वाली पेंटिंग, लाइट बचाने का तरीका। चलिए देखते हैं अब हमें यहाँ पे खाने के लिए क्या क्या मिलेगा, चलिए एक्सप्लोर करते हैं अब इस महोत्सव का फूड। क्या बात है, मिर्ची पकौड़ा, मिर्ची पकौड़ा, क्या बात है, गर्मा गर्म मिर्ची पकौड़ा बना रहे भैया हमारे, बहुत सही। ये रहा मूंग दाल का पकौड़ा, राजस्थान का सबसे फेमस, चलिए इसे ट्राई किया जाए। बढ़िया, अंकल क्या क्या बना रहे हो? मूंग दाल का चीला, मूंग दाल की ब्रेड सैंडविच है, उसका खाई देती है। ओके, ये वाला चीला कितने का? चीला 70 का, सैंडविच 50 का। अच्छा, 70 रुपए का पनीर वाला, अच्छा बहुत सही। एक लगा दो अंकल, एक हम भी खाएंगे। इसकी फिलिंग अंदर आलू की है, आलू मसाला होगा, टमाटर पनीर, एक ही खाना मुझे तो। अच्छा एक उनका, चलिए बहुत बढ़िया।
पायल की झनकार रस्ते रस्ते और पंडित जी की दावे लिखा हंसते हंसते चले आओ गर्मा गर्म स्पेशल मिलेगा वेरी टेस्टी। ऋतिक ने खाया था तब रोशन हुआ था और शाहरुख ने खाया था तब स्टार बन गया था। आप खाइए क्या बात है भैया। कौन सा पानी पहले बता दो। तीखा है अच्छा ये तीखा वाला है। ये लहसुन का है। ये अदरक अदरक का और ये मीठा लास्ट वाला। चलो जल्दी से खिला दो गोलगप्पे। चलो चलिए गोलगप्पा भैया थोड़ी सी प्याज भी लगा दीजिएगा प्लीज। प्याज के बिना मजा नहीं। तीखे से शुरुआत करवाओ भैया। शुरुआत तीखे से होनी चाहिए है ना। मीठे की तरफ फिर मीठा लास्ट में। आहा तीखा वाला गोलगप्पा आपको हिला रही है भाई। तीखे के बाद अभी लहसुन वाला है। गुड दो बनना है दादी। ये कौन है? ये अदरक वाला है। ये अदरक वाला मुझे पता है ना। बंदर के जाने अदरक का स्वाद। आज बंदर जाने का अदरक का स्वाद। गुड गोलगप्पा का फैन है तो हर चीज गुड ही तो होगी। इसलिए तृप्ति हो रही है मेरी। ये कौन सा वाला खाया? ये ओहो भाई हाजमा वाला हींग। फाइनल मिठा लास्ट में खिलाए। ये रहा मीठा वाला भैया। खट मीठा पानी एक नंबर। तो आप हमारे लिए क्या बना रहे हो? वेज रोल। वेज रोल। सरकार अपना नाम बताओ। महेंद्र यादव। महेंद्र यादव जी क्या बात है। आपकी शॉप कहीं लखनऊ में कहाँ पे? लखनऊ में नहीं पारा में। पारा में लगाइए भैया। भूख लग रही बहुत तेज। आए हाय 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 ये देखो भाई देखो। क्या बात। प्याज व्याज मिर्ची विर्ची सब बढ़िया डालेंगे? सब अच्छा है बस सर। ये तो जल्दी लगाइए भूख लग रही बहुत तेज। भैया अच्छा धनिया दाल मसूर और सोयाबीन। प्याज डाल देना भैया जरा दिल खुश हो जाए ऐसी प्याज डालना जरा। टीका कम मीठा ज़्यादा लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। मीठा थोड़ा और डाल दे यार। प्याज डाल दो। हा बढ़िया। और ये थकावट चालू। यही खाएंगे सरकार हम। लाइन शुक्रिया। देखो एक बाइट तो मैंने खा लिया है भाई साहब गर्म गर्म। मैं इसे रुका नहीं गया फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बढ़िया बना तो भाई की शक्ल देख लो। अगर गोलगप्पे खाने हो या ये कबाब रोल पराठा खाना हो आप मौसम में यहाँ पे आके खा सकते हो। आइए सर। कितने का है भैया ये चीला? 120 का है। शीला का चीला मुन्नी की चटनी वेरी टेस्टी वेरी नाइस। अच्छा 120 रुपये एक चीला पनीर डाल के। अच्छा और सैंडविच 80 का। ओके बड़े भैया पावा जी कितने की है? 120। पावा जी भी 120 का। सारा कुछ भी ले लो 120 ऐसा नहीं सर। 80 रुपये की। कितनी एक प्लेट? अच्छा कितनी दे रहे हैं एक प्लेट में आप? एक पूरा रो एक प्लेट में कितनी दे रहे हैं आप? 100 सवा 100 ग्राम 80 रुपए की दे रहे हैं। बहुत सही। यहाँ पे है खस्ता कचौड़ी। भैया क्या मिर्ची का पकौड़ा? भैया कितने का है? 50 का। ये राजस्थानी पूरी थाली। ये है दाल पंचरतन दाल। ये गट्टा होगा? ये गट्टा। ये कढ़ी गट्टा। आप यहाँ पे आके नॉन वेज भी खा सकते हैं। सीख कबाब है भैया? जी चिकन सीख कबाब मटर सीख कबाब। अच्छा हर टाइप के काकोरी वाले जी। काकोरी काकोरी आई है। ओके काकोरी सीख कबाब है नाइस। तो ये रहे इनके रेट। अगर आपको सीख कबाब खाना है तो यहाँ पे ज़रूर आना है। एक बढ़िया सी कुल्फी 25 की यहाँ पर। क्या बात है थैंक यू भैया। तो तीखा तीखा तो खा लिया आप चलिए आइसक्रीम खाते हैं। नॉट बैड। यहाँ पे क्रीम मिल की ये वाली केवड़ा कुल्फी है 25 bucks की। बढ़िया आओगे तो ये वाले भैया पे से
लो और मज़ेदार खाओ। तो यहाँ पे आपको तंदूरी चाय भी मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल तो आइसक्रीम लग रही हाथ में, लेकिन अभी ट्राई करेंगे हम इसे और मूंग दाल के पकौड़े के साथ। पार्क का ये वो वाला हिस्सा है इस पूरे महोत्सव का, जहाँ पे आप किसी भी एज ग्रुप के हो यहाँ पे आओगे तो भाई साहब खुश ही हो जाओगे। हमने आपको खाना दिखा दिया, शॉपिंग दिखा दिया, लेकिन भाई साहब असली रौनक तो यहाँ पे है। जाइंट व्हील है, वो ड्रॉप वाला है, वो पतंग जैसे घूमने वाला, ये छोटे बच्चों के लिए ये गन वाला है। अच्छा, वहाँ पे ट्रैम्पोलिन भी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे झूले देखते हैं कौन से है। तो मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि भूत वाले जितने भी हॉन्टेड हाउसेज होते हैं ना, यहाँ पे ये पुराने विलेंस की फ़ोटो क्यों होते हैं, ये मोंजुलिका वगैरह, ये तो बहुत किसी पुरानी मूवी का है। तो चलिए, क्या बात है यार, ये बच्चों के हाथ वाले झूले हैं, ये वाटर में बोट, क्या बात है, बहुत प्यारा बनाया हुआ आर्टिफिशियल तरीके से इन लोगों ने, बड़े प्यारे लग रहे हैं। हेलो, क्या बात है। कितने का भैया ये वाला, ये 50 का कितना? 10 राउंड। कोलंबस का ये जो है ये टूट के अभी यहाँ पे गिरा है, ये रहा, मैं यहीं पे अभी शूट कर रहा था, ये देखो यहाँ पे ये रहा, मतलब इतना अनसेफ है कि वहां से उड़ के यहाँ पे बच्चे थे। ये हो गया है लखनऊ महोत्सव में बहुत बड़ा वाला हादसा, बाल बाल बचे हैं। इसका जो ये वाला हिस्सा है आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से टूटा और उड़ के वहाँ जाके गिरा है, वहाँ पे देख रहे हो जहाँ भीड़ जमा हुई है वहाँ पे जाके गिरा है। तो सर उड़, मैं वहीं खड़ा था सर, बाल बाल बचाऊँ। ये देखो वो वाला भाई, ये वाला लेके जा रहा है, कितने पुअरली मेंटेन्ड होते हैं। आप ऐसे किसी महोत्सव में अगर आओगे ना तो झूले बहुत सोच समझ के, दो बार सोच के झूलना, क्योंकि देखो यहाँ से टूटा है वो हिस्सा, ये रहा, ये जो गैप आपको दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से टूट के गिरा है, ये देखो ये लेके जा रहा है, कितने अनसेफ हैं झूले वो देखो। सर आपने नोटिस करा सर के ऊपर, तो हम लोग तो आपके पीछे ही खड़ा था। किस्मत थी उनके, थोड़ा बच्चों को बैठा देता हूँ सर, आप मेरे ऊपर से आके वहाँ गिरा सर, किस्मत अच्छी थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया शुक्रिया सर शुक्रिया। तो ये है झूलों के पीछे वाला सेक्शन, झूले तो अनसेफ हैं भाई साहब, सोच समझ के रेट योर ओन रिस्क, लेकिन यहाँ पे जैसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे विंड चेन्स हैं मुझे बहुत पसंद है, ड्रीम कैचर है, की चेन है, चप्पल मिल जाएंगी, यहाँ पे कप हैं 100 रुपये के, 6 के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे देखिए हर माल 50 रुपये, हर माल 40 रुपये, हर माल 30 रुपये, ये भी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये है वो मैजिक वाला सामान, जो कि आपको मैजिक वाला सामान मिल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, और क्या है बैंगल स्टोर, नाइस, बच्चों के वो चुटके चुटके वाले खिलौने, बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग रेट्स पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मेले कि अनसेफ चीज़ों को छोड़ के सेफ चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेंगे आप। ये देखो ये लेगो स्टाइल है, पर ये इंडियन लेगो स्टाइल में, देखो ये चल रहा है झूला, ये चल रहा है झूला, और ये चल रहा है झूला। कितने का आता है भैया ये वाला, ये 750 रुपये का है भैया। एक बार वो दिखाना ज़रा, अभी जो आपने मैजिक वाला दिखाया था हमें, वो वाला जिराफ। तो चलिए देखिए जिराफ हमारे जो भैया हैं, अच्छा डायनासोर भैया, देखो ये मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, यकीन नहीं होता, लाओ दिखाऊं, देखा। तो धीरे धीरे शाम बढ़ती जा रही है, कपड़ों के खरीदार बढ़ते जा रहे हैं, आने वालों की लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब झूलों को लेके मेरी सेफ्टी कंसर्न भी बढ़ती जा रही है,
खैर वो एक बात है, हादसे हो जाते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, रिस्क आपका है। तो चलिए और देखते हैं हमें अब, तो वैसे तो घर जाने का सा टाइम हो ही गया है, लेकिन चलिए देखते हैं और हमें यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला देखने के लिए। ओ भाई साहब क्या भीड़ लग रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में बट रहा हो सामान। सदस्य मैं यहाँ सोच रही थी इतनी भीड़ क्यों है, तो यहाँ से पता चला 100-100 रुपए में कोट है जो वो मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पे लोग ले रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे इतनी भीड़ है। 100 रुपए के यहाँ पे ये सूट वगैरह मिल रहा है, तो कपड़े काफी सस्ते मिल रहे हैं। तो भाई लोग ये था भारत महोत्सव, मैंने पूरा भारत महोत्सव घूमा, पूरी कोशिश ये रही कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फूड दिखाऊं और मजेदार चीजें दिखाऊं। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो कर दीजिए सुपर डुपर हाइपर लाइक, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मैं एक वार्निंग जरूर दूंगा कि भाई साहब संभल के झूलों पे झूलना, क्योंकि झूले रिस्की हो सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉशियस रहें झूलों को झूलने के लिए। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा एक मजेदार ब्लॉग में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।